सेकेंड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट uh, सब्जेक्ट है तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रोटीन्स जो चैप्टर है उसके नोट्स मैं आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स दूंगी और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रोटीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ द बॉडी इट अकाउंट फॉर अबाउट सिक्सटीन परसेंट ऑफ बॉडी वेट इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो नाइट्रोजन बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक यानि कि फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये किससे बने होते हैं ये एक बेसिक चेन होती है अमीनो एसिड्स की और ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड सेमी असेंशियल अमीनो एसिड तो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं फर्स्ट इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सप्लाई एंड डाइट आर असेंशियल अमीनो एसिड्स जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इनका हमारा डाइट में प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा असेंशियल है उसके बाद जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी जो नॉन असेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज़ होते हैं और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज़ नहीं होते हैं हमें इन्हें अपनी डाइट में लेना होता है उसके बाद जो थर्ड आता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड लेटेटिंग वेमेन आर नॉन एसेंशियल फॉर नॉर्मल के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट मदर्स के लिए होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन हम फोर टाइप्स में कर सकते हैं सबसे फर्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड सोलिबिलिटी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन सोर्स तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड सोलिबिलिटी तो इसके बेसिस पे जो प्रोटीन्स है उसको तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड थर्ड इज डिराइव प्रोटीन तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रोटीन दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड ओनली ये किससे बने होते हैं सिंपल अमीनो एसिड से बने होते हैं इसके एग्जांपल है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कोलिजन एंड केरेटिन उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन सो दिस प्रोटीन कंटेन नॉन प्रोटीन पोर्शन इन स्ट्रक्चर इसका एग्जांपल है लाइपो प्रोटीन नाउ थर्ड इज

थोड़ा थोड़ा कम स्फेरिकल होते हैं इसका एग्जाम्पल है हार्मोन, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा तो ये इसका जो शेप होता है ये स्फेरिकल नहीं होता है प्रॉपर स्फेरिकल शेप इसका नहीं होता है तो नेक्स्ट है फाइबरस प्रोटीन दिस इज लॉन्ग रिबन और फाइबर्स इन शेप एंड मेनली एनिमल इन ओरिजिन तो इसका मेन ओरिजिन क्या है एनिमल दे हैव प्राइमरी मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन दे उसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो मैकेनिकल फंक्शन होता है इसका एग्जाम्पल है केटिन एंड कोलिजन यू नो वेयर केरेटेन एंड कोलिजन आर प्रेजेंट इन आर बॉडी थर्ड इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन सो बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन दे आर थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन एंजाइमिक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन सो जो फर्स्ट है एंजाइमिक प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन मोस्ट ऑन रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम्स सो so, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसको हम एंजाइमिक प्रोटीन्स बोलते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं, दे आर बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स और कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन के यूरिएज एंड अमाइलेज नो, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज प्रे, इज प्रेजेंट इन आर सलाइवरी ग्रैंड विच इज प्रेजेंट इन आर बकल कैविटी और यू कैन से इन आर माउथ उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटीन दैट इज कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सर्टेन प्रोटीन्स आर इन्वाल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी एसेंशियल बायोलॉजिकल फैक्टर्स टू देयर इज लेस ऑफ लाइफ दे आर नोन एज कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स सो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन हमारा बायोलॉजिकल uh, फैक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट होती है लाइक like, ट्रांसपोर्ट में जो हमारा हेल्प करती है जो प्रोटीन उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नेक्स्ट आती है न्यूट्रिएंट और स्टोरेज प्रोटीन तो नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम करती है स्टोरेज प्रोटीन आर बालाजी का रिजर्व ऑफ मेटल आयरन एंड अमीनो एसिड्स यूज बाय ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल फेरेटिन स्टोरेज प्रोटीन लैट स्टोर आयरन तो जो फेरिटन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है ये क्या स्टोर करता है आयरन तो अगर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन और भी अदर क्लासिफिकेशन भी मोटर प्रोटीन रेग्यूलेटरी प्रोटीन टॉक्सिक प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन डिफेंस प्रोटीन एज द नेम सजेस्ट एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सर प्रोटीन तो जो एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इम्यून रिस्ट में वो जन और फैक्टर्स में आते हैं तो ये प्रिवेंट करते हैं हमारा लॉस ऑफ ब्लड जब भी हमें इंजरी होती है हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता है तो ये भी प्रोटीन्स होते हैं और दीज टाइप ऑफ प्रोटीन आर नोन एज डिफ्रेंस प्रोटीन सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल एंड मोटर प्रोटीन विच हेल्प इन मूवमेंट नेक्स्ट इज रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं ये हमारी फिजोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं तो इसका एग्जांपल है इंसुलिन नेक्स्ट इज टॉक्सिक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोटीन सम एक्ट एज सब्सटेंस सच एज स्नेक वेनम तो ये सारा जो स्नेक वेनम आता है वो आता है टॉक्सिक प्रोटीन के अंदर उसके बाद आता है लास्ट में स्ट्रक्चर प्रोटीन ये सारा फर्दर क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया ये टोटल क्लासिफिकेशन था पूरे एट क्लासिफिकेशन इसमें थे ये था बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन इसके बाद आता है जो फोर्थ कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ प्रोटीन सो सोर्स के बेसिस पे दो सोर्सेज है एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन सो कैलोरी वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या होती है वन ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव फोर कैलोरी किलो कैलोरीज सो डायटरी सोर्सेज होंगे एनिमल प्रोडक्ट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऑन द अदर हैंड प्लांट प्रोटीन इज इनकम्प्लीट एक्सेप्ट सोयाबीन प्रोटीन तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो एनिमल प्रोडक्ट है ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के बट जो प्लांट जो सोर्सेज होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं एक्सेप्ट सोयाबीन जो सोया चंगस हम खाते हैं उसमें वो नेचुरल चीज है नेचुरल इन द सेंस कि वो प्लांट से हम ऑप्टेन कर रहे हैं वो तो सिर्फ प्लांट प्रोटीन में सोया चांग से सोयाबीन ही ऐसा प्रोटीन है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन जिसको माना जा सकता है बाकी सारे प्लांट प्रोटीन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं उसके बाद आता है ये सारा जो क्लासिफिकेशन था प्रोटीन का यहां पे खत्म होता है उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन सो एज यू ऑल नो जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसके बाद आता है हार्मोन, एंजाइम एनर्जी एंटीबॉडीज इन सब में जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ग्रोथ ऑफ़ फीटस तो इन सब में जो मेन रोल जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो हमारा प्रोटीन्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है तो अगर आपको फंक्शन ऑफ प्रोटीन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलता है बड़ा इन सेंस कि फाइव मार्क्स क्वेश्चन या सेवन मार्क्स क्वेश्चन आता है तो आप पर्टिकुलरली हॉर्मोन ले सकते हैं एनजाइम इन सबको आपको फर्दर डिटेल एक्सप्लेनशन इन सब का देना है एंटीबॉडीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन कौन से होते हैं उनका एग्जाम्पल कौन सा होता है फेरेटिन दे सकते हैं

देयर इज नो प्रोटीन स्प्लिटिंग एनजाइम सिक्रीटेड इन माउथ ऑन द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन अकर इन माउथ सो ये बता रहा है कि जो प्रोटीन का डायजेशन है वो डायरेक्टली स्टार्ट होता है हमारे स्टमक में माउथ में ऐसा कोई भी एंजाइम या कोई भी ऐसा एनजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो हमारे प्रोटीन को स्प्लिट करेगा जो हमारे माउथ में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तो स्प्लिट करता है बट प्रोटीन्स को स्प्लिट नहीं करता है तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक में सो so, जो ये प्रोटीन होता है वो स्टमक में जाता है एज सच जैसा भी वो होता है माउथ में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है digestion इन द स्टमक इन एडल्ट में जो digestion होगा प्रोटीन digestion बिगिनस इन द स्टमक बाय गैस्ट्रिक juices gastric juices कंटेन एंजाइम पेप्सिन जो हमारा enzyme pepsin है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में स्टमक में और एडल्ट में इसमें एडल्ट और इन्फेंट का अलग अलग है जो जो पेप्सिनोजन है वो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में तो जो पेप्सिन है ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में सो so, ये था एडल्ट uh, में अब देखते हैं इन्फेंट में क्या होता है इन्फेंट में क्या होता है जो एंजाइम रेनिन होता है इज सीक्रेटेड इन इन्फेंट इन चिल्ड्रन फ्रॉम स्टमक ऑल्सो नोन एज मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम तो जो रेनिन है वो बच्चों के पेट में सिक्रेट होता है जो हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मिल्क प्रोटीन होता है जो केशियन वो चेंज uh, होता है पैराकेशन में उसके बाद पैराकेशियन प्लस कैल्शियम आयंस मिक्स हो जाते हैं फॉर्म करते हैं कैल्शियम पैरा कैल्शियम पैरा Uh, फिर ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में तो ये था इन्फेंट में स्मॉल so पॉलीपेप्टाइड poly, uh, में जो ब्रेक डाउन हो रहा है चाहे एडल्ट में हो चाहे इन्फेंट में हो ये सारा कुछ हो रहा है स्टमक में अभी तक जितना भी हमने देखा ये सारा सिर्फ स्टमक में था अब हम जो फर्दर देखेंगे वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डायजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक जूसेज एक्ट करते हैं पेंक्रिएटिक जूसेज कौन कौन से होते हैं इट कंटेन ट्रिप्सिन कामोट्रिप्सिन कार्बो पेप्टाइडेज़, इच एनजा इफेक्टिवली ब्रेक पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड टू रिड्यूस एमिनो एसिड्स। तो ये जितने भी एंजाइम एक्ट कर रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं और Uh, जो प्रोटीन है उसको uh, तोड़ के बनाते हैं सिंपल अमीनो एसिड्स में तो यहाँ पे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तभी वो लास्ट uh, उसकी जो फॉर्म है अमीनो एसिड्स वहां तक पहुंच पाएगी लाइक प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटी एस एंड पेप्टोन ये ब्रेक डाउन होगा अमीनो एसिड्स एंड में तो कुछ फॉर्म हो जाएगा अमीनो एसिड्स एंड कुछ जो रिमेनिंग होंगे वो होंगे तो अगेन उसमें एंजाइम्स एक्ट करेंगे पेनक्रिएटिक जूसेज एक्ट करेंगे तो डाइपेप्ट कन्वर्ट्स हो जाएगा अमीनो एसिड्स में फिर फर्दर uh, क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जूसेस भी एक्ट करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एंजाइम आर प्रोवाइडेड बाय इंटेस्टाइन एंड सिक्रीशन उसमें क्या होता है कि जो डाइपेप्टाइड है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ट्राईपेप्टाइड भी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये हमने देखा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन उसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स प्लेस इन लियोडनम एंड जोजनम

तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो मोस्टली पूछा जाता है और वो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके संग शेयर किया इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन टाइप्स फंक्शन डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ प्रोटीन सो जो बच गया है इस चैप्टर में वो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन और जिसको हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अगर हो जाती है तो So that is it for today's video. If you like this video, then like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching.